सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो ये अपनी वीकेंड राइड है एंड इसमें अपने साथ एक आरएस भी है 200 जो अपने जोनाथन भाई चला रहे हैं एंड आगे अपने को मीटियोर 350 भी मिल जाएगी जस्ट सिग्नेचर ब्रिज क्रॉस करते ही। तो तीन बाइक है एंड अपन जा रहे हैं थोड़ा सा दूर, नई लोकेशन है, मैं आज तक गया नहीं हूँ वहाँ पे। ताकि जो मीटियोर पे है बंदा वो राणा है, तो जिसे आपने शिमला वाले 3rd एपिसोड में देखा होगा। एंड बाय द वे ये स्पीड वाले कैमरे टू व्हीलर के लिए नहीं है, तो अभी तक तो अपन बचे हुए हैं। आई एस सी अरे राणा भाई अपनी बाइक की फोटो खींचते हुए ये अपनी आर एस, ये मीटियोर 350 सारी चलाएंगे आज। ये आप साइलेंसर वाला ये, और राणा भाई हमारे थोड़े से शांत रहते हैं इसीलिए उन्होंने क्रूजर बाइक सिलेक्ट करी है, और अपन थोड़ा सा रेसिंग वाले बंदे, मतलब डिसेंट, ऐसा कुछ नहीं कि गंदी। और अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30 एंड आई गेस अभी थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा तब मज़ा आएगा। और अभी तो अरे भाई ये क्या था, क्या ही कट मारा है भाई इस ट्रक वाले ने। तो धीरे धीरे सनराइज हो रहा है और रोड ऑलमोस्ट खाली सी है और अपने पायलट इधर उधर चल रहे हैं। ये पीछे क्यों रहते हैं? अच्छा एक्चुअली वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, इस चक्कर में ये मेरे से पीछे ही रह रहे हैं। अभी तो मौसम बिल्कुल ठंडा है जबकि इस टाइम दिल्ली में जो गर्मी पड़ रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जो दिल्ली के हैं वो समझ सकते हैं, बाकी तो मुश्किल है समझना। और ये अपन है अभी चाणक्यपुरी वाले एरिया में, और ऑल दो लाइक जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी इतनी ग्रीनरी नहीं है, बट यहाँ पे जो ग्रीनरी है उस वजह से जो ठंड लग रही है इस टाइम अपने को, जबकि 5:50 हो रहे हैं अभी सुबह के एंड स्टिल। अभी 18 किलोमीटर और बचा हुआ है यहाँ से, अपन रुके थे एक बार जीपीएस देखने के लिए क्योंकि अपन थोड़ा सा तेज आ रहे थे, तो मे भी फ़ोन वन उड़ जाता, इस चक्कर में अपन ने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, फ़ोन जेब में था। एंड यहाँ से 18 बचा हुआ है और 6:15 यार बस जाते समय तो बढ़िया, आज के समय जो धूप होगी। और मैं अपने ना हैंड कवर करने के लिए मैं लाने वाला था कुछ, अब वो मैं भूल गया, तो वो मजाक हो गया मेरे साथ। और अब हम ये ड्राइवर चेंज कर रहे हैं, सेक्सी तो है भाई बाइक, मतलब ये नहीं इससे ज़्यादा ये है, ये ऑरेंज वाली किस। बट इसकी बाइक लाइक ऐसे हैंडलिंग में इतनी वो नहीं है, अब जैसे मेरे को ट्यूब की आदत है, आई होप विंड ब्लास्ट ज़्यादा ना आ रहा हो, जैसे मेरे को ट्यूब की आदत है तो उस हिसाब से इसकी हैंडलिंग नहीं है इतनी, क्योंकि ये उन चीज़ों के लिए बनी भी नहीं है कि आप कॉर्नरिंग करो एंड वो। ये क्रूजर है, ये मतलब अलग डीएनए है, और ये डीएनए अपने को ज़्यादा पसंद है। ओहो यहाँ मिट्टी कैसे आ गई इतनी। और ये अपन आ गए हैं पंचगांव, ये रहा सामने बोर्ड है आपको दिख जाएगा, एक राइडर आ गया, दूसरा राइडर ये रहा।
और ये पूरा जाएगा। तू मेन्यू भी बता दे एक बार क्या क्या है। वैसे देख यहाँ पे जो फेमस है ना वो ये है सरपंच। अरे इतना बड़ा आएगा सरपंच? हाँ मैं देख चुका हूँ। हेलो हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं मंचगांव। अब देखना चाहिए क्वालिटी कैसी है, क्या किस्त है, क्या साइज है, उसके बाद आपको उसका एक रिव्यू देते हैं कैसा है कैसा है। तो आपको कैसा लगा जोनाथन भाई चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए तो बताएं कमेंट में प्लीज। भाई बहुत तगड़े राइडर है, स्टंट करवा लो भाई से। भाई बताइए कि हमने क्या ऑर्डर करा है। भाई सोच में आपने सरपंच पराठा क्यों नहीं करा? अब हम निकल रहे हैं पंचगांव से। अपन ने मंगाया था चार पनीर पराठे, चार कुल्लड़ वाली चाय एंड बाद में हमने मूंग दाल का हलवा मंगा लिया था। टेस्ट में मज़ा आ गया एंड बढ़िया, मतलब रिकमेंड कर सकते हैं। और वैसे भी यार मूर्थल वगैरह जाके लाइक बोर हो गए। ये भी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुए से खुले हुए तो बढ़िया था। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। और ये अपन आ गए दिल्ली के अंदर और रेड लाइट शुरू हो गई है। अपन ISBT के आसपास हैं अभी। 15-20 मिनट और है घर पहुंचने में। धूप हो गई बहुत तेज, ये देख रहे हो, उधार मांगे ये फटे हुए। चलो भाई बाय बाय। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी मुझे बता देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। वास्ता पे रोज जी।